उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकित हत्याकांड। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली माही की जेल में पहली रात बेहद बेचैनी के साथ गुजरी है। उसका प्रेमी दीप कांडपाल भी कारागार में छटपटाता नजर आया। उधर सपेरा रमेश नाथ जेल के अन्य कैदियों और बंदियों से घुल मिल गया है, ठीक वैसे जैसे उसे अपने किए का कोई पछतावा ही ना हो। बता दें 14 जुलाई की रात युवा कारोबारी अंकित चौहान की हत्या करने वाली माही उर्फ डॉली ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे कभी जेल में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। माही को उसके प्रेमी दीप कांडपाल के साथ रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कल दोनों को जेल में शिफ्ट कर दिया था और दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जी हाँ, दीप कांडपाल को नैनीताल जेल ले जाया गया और माही को हल्द्वानी उप कारागार लाया गया, जबकि सबसे पहले पकड़ा गया सपेरा रमेश नाथ भी नैनीताल जेल में ही बंद है। पुलिस की माने तो माही का दूसरा बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल चेन स्मोकर यानी कि सिगरेट का लती है। एक एक दिन में दीप कांडपाल सिगरेट की 10-10 डिब्बे खाली कर देता था, यानी कि एक सिगरेट बुझते देर नहीं हुई और उसने होठों पर दूसरी सिगरेट लगा दी। और अब जब दीप कांडपाल जेल में दाखिल कर दिया गया है तो जेल में सिगरेट नहीं मिल सकती, ऐसे में वो सिगरेट के लिए छटपटाता रहा, बेचैन रहा, इधर से उधर घूमता रहा। इधर दूसरी तरफ माही का हाल भी बेहाल है। हल्द्वानी उप कारागार में दाखिल किया गया माही पहली बार जेल गई है। चूंकि वो जेल में नई बंदी है तो अभी कुछ दिनों से आराम करने दिया जा रहा है, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही उसे अन्य कैदियों और बंदियों की तरह साफ सफाई आदि कार्यों में हाथ बटाना होगा। बताया जा रहा है कि पहली रात माही को जेल में ठीक से नींद भी नहीं आई और वो बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। वही हल्द्वानी उप कारागार में जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे का कहना है, इन बंदियों को भी अन्य बंदियों की तरह ही रखा जाएगा। जो अन्य बंदियों को खाने के लिए दिया जा रहा है उन्हें भी वही दिया जाएगा। माही को महिला बैरक में अन्य बंदियों के साथ ही रखा गया है और जैसा कि माही के चाहने वालों की लिस्ट बेहद लंबी है, इस लिस्ट में कई नामी गिरामी लोग भी हैं। और जैसे ही माही हल्द्वानी उप कारागार में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस बीच में माही से मिलने एक भी व्यक्ति जेल नहीं पहुंचा है। यहां तक कि उसके घर वालों ने भी उससे दूरी बनाई रखी है। हालांकि माही से मिलाई के लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, फिर भी उससे कोई मिलने तक जेल नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ कारोबारी अंकित चौहान की हत्या में शामिल माही के नौकर नौकरानी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस किसी भी वक्त उन्हें हल्द्वानी लेकर आ सकती है, तो इस बीच भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।